हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं होटल क्वारंटीन को लेकर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं फिर से, क्योंकि सैटरडे को भी मैंने जो लाइव किया था तो उसमें मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दी थी, लेकिन आई डोंट नो कि बहुत सारे आप लोग नहीं देख पाए और इस वजह से आपने पोल किया कि हाँ हमें एक सेपरेट वीडियो चाहिए। और ये दो कारणों से हो सकता है, या तो फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नहीं किया तो कर लो, और सेकंड चीज आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया होना, तभी आपको पता नहीं चला कि मैं लाइव था। सो प्लीज डू दोस थिंग्स। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला जो अपडेट है वो ये है कि जो ट्रैवलर्स हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड जो है वो कर दिया गया है, ठीक है। जो ट्रैवल एजेंसी है या ट्रैवल पैनल है जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है, उन्होंने 5 कैटेगरीज बना दी है। फर्स्ट है जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, सेकंड है जिनको एक वैक्सीन लगी है और वो पार्शियली वैक्सीनेटेड कही जा रही है, थर्ड जो फुली वैक्सीनेट हो चुकी है, फोर्थ जिनको कोविड हुआ था, फिफ्थ है एग्जेम्प्टेड ट्रैवलर्स जिनको कोई भी क्वारंटीन या कोई भी कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्टेड वन, ठीक है। ये 5 कैटेगरीज है। तो सबसे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो एस्ट्राजेनेका है, ठीक है, जिसे इंडिया में कोविशील्ड भी बोला जाता है, तो सिर्फ वही अप्रूव्ड है कनाडा में अभी के लिए। प्लीज डोंट गेट द कोवैक्सीन और ना ही आप स्पुतनिक लो, क्योंकि वो भी अभी नहीं है अप्रूव्ड। और रही बात, एक और मैं आपको बात बता दूं कि एस्ट्राजेनेका जो है वो कनाडा में पीछे बैन भी लग गया था, होल्ड पर है, ठीक है, क्योंकि उसके वजह से ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रॉब्लम आ रही थी काफी, तो उस वजह से उसे भी अभी बैन कर दिया गया है। सो ऑन अ पर्सनल नोट आई वुड रेकमेंड कि आप वैक्सीन मत लगवाओ, सीधा कनाडा जाकर फाइजर या फिर मोडर्ना आप उसे ऑप्ट कर लेना। तो आपको पता चली क्या होगा कि 5 कैटेगरीज कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि क्या चेंजेस जो है वो आ रहे हैं नॉन वैक्सीनेटेड को लेकर। तो सबसे पहला जो चेंज है दैट इज प्री डिपार्चर पीसीआर टेस्ट, ठीक है, वो आपको करवाना ही होगा 72 घंटे पहले, 72 आवर्स पहले या 3 दिन पहले आपका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ होना चाहिए। और इसके साथ एडिशन ये एक लगी है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो भी 24 आवर्स पहले आप करवा पा सकते हो, अगर ये रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं तो। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पैटी हाजडू जो है, जो कि कनाडा के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज क्या बयान दिया था। सो स्टे टिल द एंड। जो सेकंड चीज है दैट इज की पीसीआर टेस्ट लैंडिंग के दौरान आपका होगा, जब भी आप कनाडा में लैंड करोगे वहां पर आपका पीसीआर टेस्ट होगा। और उसके साथ साथ आपको जो भी आपके लैंड ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, आप वैसे ये वीडियो ज्यादातर एयर ट्रैवलर्स ही देखेंगे, जो लैंड ट्रैवलर्स हैं जो यूएस से जाएंगे उनको एक होम सैंपलिंग किट जो है वो दी जाएगी। थर्ड जो चीज है दैट इज पर्सनल क्वारंटीन, ठीक है, वो आप कर पाओगे। और जो फैमिली है अगर वो अलग नहीं हो सकती तो उन्हें भी आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा, यानी पूरे घर को ही होम आइसोलेट या फिर आइसोलेशन पॉइंट बना दिया जाएगा और या क्वारंटीन कर दिया जाएगा, ठीक है, सारे मेंबर्स को भी। और जो फोर्थ चीज है दैट इज 7th डे को पीसीआर टेस्ट होगा, अगर वो नेगेटिव आता है तो आप कहीं भी आ जा सकते हो, अगर नहीं तो आपको 14 डेज कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये थी सारी की सारी बात नॉन वैक्सीनेटेड के लिए। अब बारी आती है जिन्होंने सिंगल डोज ली है, जो जिन्हें पार्शियली वैक्सीनेटेड कहा जाता है, तो जिनके पास भी प्रूफ है कि हमें सिंगल डोज लगी थी, ठीक है, तो वो 14 डेज के बाद, ठीक है, वैक्सीन लेने के 14 डेज के बाद ट्रैवल कर पाएंगे। और अगर कोविडशील्ड लगी है और 12 वीक्स ऊपर हो गए हैं कोविडशील्ड लगे को, सेकेंड डोज नहीं लगवाया, तो फिर आप नॉन वैक्सीनेटेड माने जाओगे, ठीक है। तो पीसीआर टेस्ट जो है अब वो आप करवा सकते हो 72 आवर्स पहले, और रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो आप 24 आवर्स पहले करवा सकते हो। फिर पीसीआर टेस्ट जो है वो आपका लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट के ऊपर होगा, जो लैंड ट्रैवलर्स हैं उन्हें एक होम टेक होम सैंपलिंग किट दे दी जाएगी, ताकि वो घर के ऊपर अपना जो कोविड का टेस्ट है वो खुद कर पाएंगे। पर्सनल क्वारंटीन आपको करना पड़ेगा, और जैसे ही आपका जब टेस्ट हुआ था एयरपोर्ट के ऊपर वो नेगेटिव आ जाएगा, देन आप पर्सनल क्वारंटीन छोड़ सकते हो। नेक्स्ट बारी आती है फुली वैक्सीनेटेड की। तो फुली वैक्सीनेटेड में सबसे पहली चीज जो मांग रहे हैं वो ये है कि आपका प्रूफ साथ के साथ 14 डेज कंप्लीट हो गई हो। इन दोनों के साथ साथ एक और चीज है, नेक्स्ट जो चीज है दैट इज कि पीसीआर टेस्ट आपका ट्रैवल से पहले जरूरी नहीं रहेगा, और ना ही आपके जो 10th डे टेस्टिंग होती है वो नहीं होगी, लेकिन एयरलाइंस आपसे ये टेस्ट मांग सकती है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।
नेक्स्ट आती है बारी पीसीआर टेस्ट आपका ऑन अराइवल, यानी जब आप कनाडा में लैंड करोगे तब आपका पीसीआर टेस्ट हो सकता है सर्विलांस के लिए, ठीक है, कि ये चेक करने के लिए कहीं फिर से कोविड तो नहीं बढ़ रहा, कोई और वर्जन तो नहीं आ गया, ठीक है, इस तरह से कोई भी टेस्ट जो है वो हो सकते हैं। एंड अदर थिंग इज कि जो पीसीआर टेस्ट जब लैंडिंग के दौरान, ठीक है, जब आप कनाडा में लैंड करोगे अगर वो पॉजिटिव निकल आया तो फिर आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। और एक और चीज, एयरलाइंस को ये डायरेक्शन दिए जा सकते हैं कि आप वैक्सीनेटेड सिंगल डोज वाले और नॉन वैक्सीनेटेड एग्जेम्प्टेड और जिन्हें कोविड हुआ था उन चारों सॉरी उन पांचों को ही सेपरेट लाइंस बनाओ, ठीक है, सेपरेशन कर दो उन सभी की। और अब बारी आती है नेक्स्ट फोर्स टाइप की जो कि है कोविड पॉजिटिव जिन्हें कोविड हुआ था, तो उनके लिए ये है अपडेट कि उन्हें प्रूफ साथ लाना होगा जैसे अभी भी लाना पड़ता है, और वो पॉजिटिव होने चाहिए बिटवीन 14 to 180 days, ठीक है, जब भी आप कनाडा में लैंड करोगे तो उससे 14 दिन पहले से लेकर 180 दिन पहले तक अगर वो कोविड पॉजिटिव थे तो उन्हें ये प्रूफ लेकर आना होगा। लैंडिंग के दौरान ही उनका पीसीआर टेस्ट होगा और पर्सनल क्वारंटीन का ऑप्शन उन्हें मिल जाएगा। और जो एग्जेम्प्टेड है यानी कि जिनकी एज 18 से कम है, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया में 19 से कम है, वो एग्जेम्प्टेड में पहले थे, अभी मैंने सर्च नहीं किया, आई एम सॉरी फॉर दैट। और जो भी लोग हैं जैसे हेल्थ केयर वाले हो गए, ठीक है, लाइक स्टूडेंट्स भी, और जो ट्रैवलर्स हैं डेली का जिनका आना जाना है क्रॉस बॉर्डर, तो उन्हें वो सिर्फ वॉलंटरी टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, यानी उनके पास चॉइस है, अगर आपने टेस्ट करवाना है तो करवा लो, नहीं करवाना तो आप नहीं करवाओ। ये भी इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ, इन फ्यूचर होने के चांसेस हैं, लेकिन अभी जो बयान आया है पैटी हाजडू का तो वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। जो रिकमेंडेशंस दिए गए हैं वो हैं तीन, और सबसे पहली रिकमेंडेशन ये है कि सभी ट्रैवलर्स की टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, ऑन अराइवल एयरपोर्ट के ऊपर टेस्ट होना चाहिए सिर्फ एग्जेम्प्टेड ट्रैवलर्स को छोड़कर। सेकेंड, जो लैंड और बॉर्डर मेजर्स हैं वो अभी कंटिन्यू किए जाने चाहिए, होटल क्वारंटीन को एंड कर देना चाहिए एयर ट्रैवलर्स के लिए, और जो पर्सनल क्वारंटीन है उसे अलाउ किया जाना चाहिए, कोई किसी भी कंट्री को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए जैसे इंडिया और पाकिस्तान को किया जा रहा था। और इंक्रीज कर दी जाए मॉनिटरिंग, ठीक है, कि कौन कौन से कोविड के पेशेंट्स थे, कौन कौन से नहीं थे, अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसके ऊपर ज्यादा नजर रखी जाए, ठीक है। थर्ड जो रिकमेंडेशन है दैट इज कि वैक्सीनेशन को और भी ज्यादा इंक्रीज किया जाए ताकि ये जो लैंड ट्रैवलर्स के जो मेजर्स लगाए गए हैं, एयर ट्रैवलर्स के ऊपर मेजर्स लगाए गए हैं, उन्हें धीरे धीरे करके फेज आउट कर दिया जाए। तो इसका जो पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो, सो प्लीज चेक दैट आउट। और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और नेक्स्ट बात आती है कि पैटी हाजडू ने जो बयान दिया है वो ये है कि वो इस रिपोर्ट को पहले उन्होंने कहा था कि हम नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन अब वो उसे कंसीडर कर रहे हैं, और इट माइट बी अ थिंग कि वो होटल क्वारंटीन को लेकर कोई नया अपडेट दे और वो कहे कि इसे खत्म कर दो। लेकिन ऑन अ पर्सनल नोट आई एम नॉट थिंकिंग कि इतनी जल्दी होटल क्वारंटीन जो है वो खत्म होने वाला है, एटलीस्ट जुलाई तक मैं मानकर चल रहा हूं कि अभी होटल क्वारंटीन बंद नहीं होगा। और फिर जो रही बात कि कैनेडियंस जो हैं वो 57% ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं फर्स्ट डोज के साथ, ठीक है, 30th May तक, तो उसके बाद आप लोगों के जो दो तीन क्वेश्चंस थे मैं उन्हें एड्रेस करने वाला हूं। फर्स्ट है कि नीरज कुमार जी से, उन्होंने कहा कि क्या 3-day होटल क्वारंटीन खत्म होगा आफ्टर 21st June और वेन एवर फ्लाइट्स विल रिज्यूम। तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है कि जुलाई तक चांसेस कम है, ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि खत्म कर दे, और मेरी ये प्रेडिक्शन है, आई एम नॉट सेइंग फॉर श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। नेक्स्ट इज हरसिमर, उनका है क्वेश्चन, अज्यूमिंग फ्लाइट्स रिज्यूम फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, शुड आई बुक डायरेक्ट फ्लाइट्स और अ लेवर फ्लाइट सच एज वाया जर्मनी और लंदन, ऑल्सो शुड वी बुक टिकट्स नाउ और वेट फॉर 22nd June। इसमें दो तीन चीजें आ जाती है, पहली बात आपके पास स्टैम्प्ड पासपोर्ट होना चाहिए, सेकेंड चीज अगर आपका पासपोर्ट अभी स्टैम्प नहीं हुआ आपने भेजना है अभी, सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू बुक अ फ्लाइट, ठीक है, बिकॉज रश होगा तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा ही। एक और चीज कि अगर आप बुक करवाना चाहते भी हो सो मेक श्योर द टिकट इज रिफंडेबल, एंड द नेक्स्ट थिंग कि आपको डायरेक्ट फ्लाइट लेनी चाहिए या लेओवर,
अगर डायरेक्ट मिलती है सबसे बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट होगी इंडिया टू कैनेडा 14 आवर्स आपको लगेंगे। अगर आप लेओवर वाली फ्लाइट लोगे तो ये भी हो सकता है कि 14 आवर्स का आपका लेओवर टाइम हो जाए, ठीक है। वाया फ्रैंकफर्ट जाओगे तो भी आपका 4 to 6 आवर्स का जो ट्रांजिट है वो होगा। फिर आपको ऑथराइजेशन लेनी पड़ेंगी, ठीक है, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से, फिर वहां की फेडरल पुलिस से। तो ये चीज सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। हाँ, थोड़ा सस्ती तो होगी फ्लाइट, लेकिन आई वुड रेकमेंड कि डायरेक्ट फ्लाइट इज वे बेटर रादर देन अ लेओवर फ्लाइट। सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। पैकिंग के रिलेटेड कोई भी वीडियो, कोई भी इक्विपमेंट आपको चाहिए हो, सो प्लीज चेक दैट आउट। सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। थैंक यू।